और बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। कोलंबो में राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया गया। गॉल में स्टेडियम के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, श्रीलंका के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तो ये देखिए किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो श्रीलंका में फिर से विद्रोह, राष्ट्रपति गोटबाया फरार हैं। आपात बैठक वहां पर बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग वहां पर बुलाई गई है। इस आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां इस मीटिंग में होंगी। लेकिन ये श्रीलंका की सड़कों पर आज का प्रोटेस्ट आप देखिए किस तरीके से यहां पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलंबो की तस्वीर है, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा यहां पर कर लिया है। गॉल में स्टेडियम के बाहर भारी विरोध यहां पर हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहां पर लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। द पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए। श्रीलंका के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सनत जयसूर्या भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। पूर्व क्रिकेटर हैं सनत जयसूर्या, जाने माने क्रिकेटर, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, श्रीलंका कई शहरों में उग्र प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है जोरदार तरीके से। और इसी बीच बता दें कि आपात बैठक बुलाई गई है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने यहां पर आपात बैठक बुलाई है। पार्टी नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। तो पार्टी नेताओं की अहम बैठक प्रधानमंत्री ने यह बुलाई है। तो पीएम भीड़ ने राष्ट्रपति सचिवालय को घेर लिया है। राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल पर भी भीड़ ने कब्जा कर लिया। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे ये प्रदर्शन करने के लिए। राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर भी हमने दिखाई और उसके अंदर की तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीर किस तरीके से यहां पर पूरी भीड़ पहुंच चुकी है। विद्रोह एक बार फिर से श्रीलंका में हुआ है। राष्ट्रपति गोटबाया फरार चल रहे हैं और ये देखिए राष्ट्रपति भवन का स्विमिंग पूल जिसका लुत्फ उठाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे, जमकर यहां पर इस स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिख रहे हैं सभी प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। जोरदार तरीके से प्रदर्शन हो रहा है श्रीलंका के अलग अलग शहरों में। तो गॉल में स्टेडियम के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन और इसके बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर, राष्ट्रपति भवन के अंदर, ये लगातार हम एक एक तस्वीर से आपको रूबरू करवा रहे हैं किस तरीके से श्रीलंका में एक बार फिर से विद्रोह शुरू हो चुका है और विद्रोह की लपटें, विद्रोह की चिंगारी यहां पर पहुंच चुकी है स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के पास और राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग यहां पर एक बार फिर से उतर गए हैं सड़क पर। विद्रोह एक बार फिर से श्रीलंका में हो गया है। तो कोलंबो में राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है। गॉल में स्टेडियम के बाहर भारी विरोध यहां पर किया गया। तो पहले भ्रष्टाचार हुआ, अब यहां पर जनता ने किस तरीके से अपना फैसला सुनाना शुरू किया है आंसू गैस के गोले। ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको सड़क की हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं जो इस वक्त सड़क पर उतरे हैं और उनको रोक पाना एक बार फिर से श्रीलंका की पुलिस के सामने, फोर्स के सामने मुसीबत बनती जा रही है। राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कोलंबो में कर लिया गया है। गॉल में स्टेडियम के बाहर भारी विरोध यहां पर हो रहा है। तो पहले भ्रष्टाचार, अब जनता यहां पर अपना फैसला सुना रही है और जनता का फैसला कुछ इस तरीके से सामने आ रहा है। प्रदर्शन, विद्रोह, तो तस्वीरें, तो श्रीलंका के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन आज हुआ है।